नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद इस समय 93A नोएडा में, जहां मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ट्विन टावर है जो इस समय सुर्खियों में है। इस ट्विन टावर को 28 तारीख को जमींदोज करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस बिल्डिंग को 28 तारीख को 2:30 बजे जमींदोज कर दिया जाएगा। यहाँ बहुत हलचल है, पूरा काम कर लिया गया है और सारी सिक्योरिटी के इंतजाम और जो यहाँ कर लिए गए हैं और जहाँ जो आसपास में जो लोग रहते हैं वो उनकी क्या राय है, वो इस बारे में वो ये जानने की कोशिश करेंगे। जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनमें क्या डर है इस बात को लेके या एक्साइटमेंट है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहला मामला होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और वो भी बायर्स के पक्ष में। तो आसपास की बिल्डिंगों को पूरी अच्छी तरह ढक दिया गया है और उसमें कोई डस्ट ना जाए और कोई नुकसान ना हो, उसकी पूरी तैयारी की गई है। पिछले कई महीनों से कंपनियाँ जो है इसकी तैयारी कर रही हैं कि इसमें पूरा जो है एक्सप्लोजन लगा दिया गया है और बताया जा रहा है कि मात्र 9 सेकंड में ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। सोसाइटी का जो विरोध करने के बावजूद वो नहीं माने और ये इसका कंस्ट्रक्शन चला, तो जो सोसाइटी है, जो बायर्स हैं, वो सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2.5 साल तक ये मामला चला। उस 2.5 साल के मामले चलने के बाद ये पहली बार हुआ इतिहास में कि जो ये जो ऐतिहासिक फैसला जो है, आइए जानते हैं पब्लिक क्या कह रही है। आसपास के आने वाले लोग हैं जो आसपास रहते हैं, आसपास के सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं उनसे जानेंगे वो क्या चाहते हैं। देखिए, जो डर है वो लोगों को दो तरीके के डर हैं कि इतना बड़ा ब्लास्ट होगा, इतना बड़ा शॉक वेव जेनरेट होगा तो उससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कोई खतरा ना हो, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है सुपरटेक ने, जो बिल्डर ने पहले से बनाई थी, वो बहुत कमज़ोर है। जब उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया तो ये पता चला कि बिल्डिंग बहुत कमज़ोर बनी हुई है, तो वो इतना बड़ा जो ब्लास्ट है वो उसको ले पाएगी कि नहीं, उस शॉक वैल्यू को अब्सॉर्ब कर पाएगी कि नहीं, ये लोगों को एक बहुत बड़ा डर है। आर्थिक फैसला दिया और बायर्स के हक में फैसला दिया, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये वाकई आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल डिसीजन, एज लैंडमार्क डिसीजन है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा डिसीजन आ सकता है, इसलिए अभी तक ये जो डिसीजन आया भी, उसके बाद बिल्डर ने उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन फाइल करी, एक के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम आती गई कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि फाइनली अब जब ये डेट हो गई है, डेट भी 2-3 बार पोस्टपोन हुई है, मई में स्टार्ट होना, 22 मई को होना था, उसके बाद पोस्टपोन हो के अब ये 28 तारीख हुई है, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस बार भी 28 को ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो एवरीबडी इज शॉक, हैप्पी एंड रिलीव। तो आप लोग कहीं शिफ्ट हुए हैं तो उसके बारे में बताइए, कैसे सेफ्टी मेजर्स कैसे ले रहे हैं? तो यहाँ पे सबका इवैक्यूएशन 7 बजे तक मैंडेटरी इवैक्यूएशन है, सबको ये खाली करके जाना अपना, और 7 बजे के बाद जो यहाँ पे RW है वो अपना, उन्होंने जो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई है कि सोसाइटी में एक एक करके सारे जो सर्विसेज हैं उन्हें बंद करना है, सेफली बंद करना है, और 12 बजे सोसाइटी खाली हो जाएगी। इट विल बी एब्सोल्युटली नो मैंस लैंड, नोबडी विल बी हियर, और उसके बाद 2:30 बजे तो आपको पता ही है कि ब्लास्ट। तो आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं इनके क्या रिएक्शन है? आसपास के जो दो, एक और सोसाइटी ATS ग्रीन की जो सोसाइटी है वो तो हमारी तरह ही इम्पैक्टेड है और उनको भी इवैक्यूएट करना है। बाकी सोसाइटीज़ ने एक्चुअली हमें बहुत हेल्प भी करी है, उन्होंने ऑफ़र किया है कि जिन लोगों के पास कहीं और जाना चाहते नहीं है या जगह नहीं है तो उन्होंने अपने क्लब हाउसेज हमारे लिए खोल दिए, कुछ लोगों ने हमें अपने गेस्ट हाउसेज भी दे दिए, सो पीपल कैन गो देयर। तो 200 से 250 लोगों ने इस फैसिलिटी को लेने का डिसाइड किया। आपने कहावत तो सुनी होगी, मैं इनके कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो ये कानून का हाथ इस पे लग गया और ये धराशायी होने वाली है। बिल्कुल, ये आप लाइव देख रहे हैं, ये एग्जांपल इंडिया में बहुत मुश्किल से दिखता है कि कभी किसी बिल्डर ने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हो वो नीचे गिर जाए आके, तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन है और हम बहुत खुश हैं और हमें फुल फेथ है नोएडा अथॉरिटी, RWA, EDIFIS सबके ऊपर, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अभी कोई डर है आपके मन में कोई? नहीं, मिक्स फीलिंग्स एक्चुअली, थोड़ा तो रहता ही है, हल्का फुल्का है, एग्जाम जब तक ओवर नहीं होता थोड़ा तो रहता ही है, वैसे ही चीज खुद ही बताएंगे वो जो गिरा रहे हैं। हमारे घरों में भी आके विजिट किया है कि कोई भी क्रैक्स हैं, कुछ भी है, और उन्होंने अश्योर किया है कि शीशे टूटेंगे या कुछ भी होगा थोड़ा वाइब्रेशन वो ठीक करेंगे। बट कंपनी ने अश्योर किया कि अगर कोई भी नुकसान अगर होता है तो कंपनी भरपाई करेगी, भरपाई करेंगे। उन्होंने 100 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, ये उन्होंने हमें बताया है, और कुछ भी टूटेगा ये ठीक करके देंगे। जी, मैं कुछ एक छोटी सी गज़ल है वो मैं सुनाता हूँ, डेमोलिशन पे ही लिखा है। तूफ़ान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, तूफ़ान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, बिल्डर की गलती का अब हमें देना हर जाना होगा। सरकारी ज़मीन पे कैसे बना दी तुमने ये ऊंची इमारत, सरकारी ज़मीन पे कैसे बना दी तुमने ये ऊंची इमारत, योगी जी आपको इन्हें सबक सिखाना होगा। एक शोर होगा उस रोज़ मगर कुछ होगा नहीं,
एक शोर होगा उस रोज़ मगर कुछ होगा नहीं, बेचैन परिंदों को ये दिलासा दिलाना होगा। छोटे से बगीचे में लगाए हैं मैंने भी पौधे कई, छोटे से बगीचे में लगाए हैं मैंने भी पौधे कई, खुदा के भरोसे अब उन्हें छोड़ के घर को जाना होगा। जीवन भर की पूंजी लगा दी है दाव पे कैफ़ी, जीवन भर की पूंजी लगा दी है दाव पे कैफ़ी, सहमे दिल को हौसला पर अब दिलाना होगा। मजे की बात यह है कि जो आसपास का जो पूरा इलाका है, यहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ मीडिया का जमावड़ा है, सभी नेशनल मीडिया यहाँ पे मौजूद है, इसलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ एक सेल्फी पॉइंट सा बन गया है, लोग कह रहे हैं कि कल परसों से ये बिल्डिंग रहेगी, 28 तारीख के बाद हम उनको देखने को नहीं मिलेगी, तो सब यहाँ सेल्फी लेने आ रहे हैं। क्या बात है, इसमें सेल्फी लेने आ रहे हैं, कहाँ से आए आप लोग? ये जगहों से आए हैं, पास से ही। अब लोग यहाँ पे देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है, सेल्फी ले रहे हैं, तो हम भी आगे देख करके, क्योंकि अब ऐतिहासिक फैसला है, ये तोड़ी जा रही है तो पैसा लगा हुआ है, काफी लोग देख रहे हैं कि किस रीजन से तोड़ी जा रही है, कुछ जानकारी ले रहे हैं, कुछ देखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी साथी हैं और सेल्फी लेने हैं। जी बिल्कुल जी। तो आप इस फैसले के बारे में पता चला और यहाँ के बारे में पता चला, न्यूज में देखा होगा, तो आप यहाँ आए? जी जी, अभी आए। तो क्या कर रहे हैं यहाँ आगे, क्या जानकारी? अपने फोटो खींचने के लिए आए थे, देखने के लिए। ये कल गिरने वाला, दो दिन में कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर, बिल्कुल खाली खाली रहेगा। नॉलेज लेने के लिए भी कुछ लोग नॉलेज लेने के आए। मीडिया 24/7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ।